अमेठी सीट पर केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी के हाथों हार का सामना करने के बाद वायनाड पहुंचे राहुल गांधी ने इस बार भी वायनाड से ही पर्चा भरा है। राहुल ने अपने नॉमिनेशन के मौके पर वायनाड में रोड शो किया, तो आज केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी वायनाड पहुंच रही है, जहां वो बीजेपी कैंडिडेट के सुरेंद्रन के नामांकन में शामिल होंगी और उससे पहले एक रोड शो भी करेंगी। वायनाड से राहुल ने भरा पर्चा, आज स्मृति ईरानी की चर्चा। आज बीजेपी कैंडिडेट का नामांकन, स्मृति करेंगी शक्ति प्रदर्शन। वायनाड में टफ फाइट, राहुल के खिलाफ लेफ्ट और राइट। अमेठी सीट से हार के बाद केरल की वायनाड सीट से दूसरी बार किस्मत आजमा रहे कांग्रेस सांसद राहुल गांधी को यहां भी स्मृति ईरानी के अटैक का सामना करना पड़ा है। कल अपने नॉमिनेशन से पहले राहुल गांधी ने वायनाड में रोड शो किया, तो आज बीजेपी कैंडिडेट के नॉमिनेशन से पहले स्मृति ईरानी का रोड शो होने वाला है, जहां स्मृति दक्षिण की जनता को राहुल के उत्तर छोड़ने की हकीकत बताकर हमला करने वाली है। राहुल के खिलाफ वायनाड में लेफ्ट डेमोक्रेटिक फ्रंट ने पहले ही अपने सबसे मजबूत कैंडिडेट एनी राजा को राहुल के खिलाफ उतारा है, तो आज बीजेपी कैंडिडेट के सुरेंद्रन भी पर्चा दाखिल करने वाले हैं। सुरेंद्रन 2020 से केरल बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष हैं। जाहिर है लेफ्ट और राइट के भंवर में फंसे राहुल गांधी को इस बार वायनाड सीट पर कड़ी फाइट मिलने वाली है। ये जो लड़ाई है, ये लोकतंत्र और कॉन्स्टिट्यूशन, संविधान को बचाने की लड़ाई है। एक तरफ कांग्रेस पार्टी और इंडिया अलायंस लोकतंत्र के लिए लड़ रहे हैं, संविधान के लिए लड़ रहे हैं, और दूसरी तरफ प्रधानमंत्री मोदी जी, अमित शाह जी और बीजेपी के लोग, आरएसएस के लोग संविधान को और लोकतंत्र को खत्म करने में लगे हुए। राहुल वायनाड में भी वही राग अलाप रहे हैं जो वो अपनी यात्राओं में अलापते रहे हैं, लेकिन इस बार वायनाड सीट पर राहुल को सब कुछ पहले जैसा नहीं मिलने वाला। 2019 के चुनाव में राहुल गांधी को करीब 65% यानी 7,06,367 वोट मिले थे, जबकि लेफ्ट के प्रत्याशी पीपी मुनीर को सिर्फ 25.24% यानी 2,73,971 वोट मिले थे। वहीं 2019 में सीट से बीजेपी के सहयोगी पार्टी BDJS चुनाव लड़ी थी और तुषार वेलापल्ली को 7.25 यानी 78,816 वोट मिले थे, लेकिन वायनाड सीट पर ऐसा पहली बार नहीं हो रहा जब राहुल गांधी को बीजेपी सीधी टक्कर दे रही है। राहुल की ताकत मुस्लिम वोटर हैं, तो के सुरेंद्रन की ताकत हिंदू वोटर। राहुल वायनाड से ताल ठोक रहे हैं, तो 2019 के चुनाव में अमेठी से राहुल गांधी को हरा चुकी केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी आज राहुल के खिलाफ प्रचार करने वायनाड पहुंच रही हैं। राहुल के नामांकन के 24 घंटे बाद स्मृति ईरानी वायनाड में होंगी, जहां वो बीजेपी उम्मीदवार के सुरेंद्रन के नामांकन में शामिल होने के साथ ही एक रोड शो भी करेंगी। इससे पहले स्मृति ईरानी ने अमेठी सीट को लेकर राहुल गांधी पर करारा वार किया। हार से डर कर भागने की कांग्रेस की अब फितरत सी हो गई है, अमेठी वालों से पूछ लो। आज जिस प्रकार की राजनीति इस चुनाव में मैं देख रही हूं, सुना है कुछ लोग वायनाड में आज अपना पर्चा भर रहे हैं, वहां मेरे प्रदेश अध्यक्ष उसके सामने चुनाव लड़ रहे हैं और कह रहे हैं अब गत इतनी हो गई है उनकी राजनीति की कि आतंकवादी संगठनों से वो सहायता मांग रहे हैं। वायनाड लोकसभा सीट मुस्लिम बाहुल्य सीट है। वायनाड में करीब 48% मुस्लिम है, जबकि 11% क्रिश्चियन है और 41% हिंदू है। वायनाड के 38% मुस्लिम मतदाता को कांग्रेस अपनी स्ट्रेंथ मानती आई है। 2019 में कांग्रेस को इन्हीं वोटर्स ने एकमुश्त वोट दिया और राहुल गांधी रिकॉर्ड वोटों से चुनाव जीत गए। इस बार भी केरल में कांग्रेस का IUML के साथ गठबंधन है। वहीं वायनाड में SDPI ने भी राहुल गांधी का समर्थन किया है, लेकिन तमाम ध्रुवीकरण के बीच राहुल गांधी के लिए असली चुनौती फायर ब्रांड हिंदू नेता और वायनाड से कैंडिडेट के सुरेंद्रन है। The PFI and the anti-India movement, all these organizations are supporting Rahul Gandhi, Jarban, Naxals, PFI, all these things. So our fight is a real ideological fight, and Rahul Gandhi ji ki as a nakaratmak rajnidhi ke liye khilaf hum बहुत बड़ा फाइट कर रहा है। लोगों का समर्थन आपको मिल रहा है? अच्छा समर्थन मिल रहा है। पिछले बार जो अमेठी में लोग जो किया ना, अभी इस बार वही करेंगे हमारे जो वायनाड के लिए। वायनाड सीट को लेकर राहुल की टेंशन इस बार क्यों बढ़ी है, इसका जवाब है राहुल का बढ़ता वोट बैंक।
वायनाड सीट पर मुस्लिम 48% हैं। ये वोट एलडीएफ और यूडीएफ यानी कांग्रेस में बटेगा। क्रिश्चियन 11% हैं और एलडीएफ प्रत्याशी एनी राजा क्रिश्चियन है तो ये वोट भी बटेगा। इनमें से कुछ वोट बीजेपी के खाते में जाएंगे। वहीं वायनाड सीट पर 41% हिंदू हैं और अगर हिंदुओं का 38% वोट भी बीजेपी को मिलता है तो फिर राहुल गांधी की सीट फंस सकती है। इन तमाम समीकरणों के बीच राहुल की सबसे बड़ी विरोधी स्मृति अपने चिर परिचित अंदाज में आज राहुल को घेरने के लिए वायनाड पहुंच रही हैं।